हेलो एवरीवन, आप लोग हमारे चैनल में स्वागत है। अगर जो आप हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों, एक किलोस्कर की डीजी है और इसमें अंडर स्पीड का सिग्नल दे रहा है और डीजी कुछ सेकेंड बाद बंद हो जा रही है। तो चलिए एक बार हम डीजी को स्टार्ट करके देख लेते हैं कितने सेकेंड बाद डीजी हमारी बंद हो जा रही है। तो चलिए हम इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं और डीजी हमारी स्टार्ट हो गई। आप लोग देख सकते हैं सेफ्टी मैंडेटरी लिखा हुआ, और जैसे एक हो जाएगा उसके बाद से सारी चीज़ें शो होने चालू हो जाएगी। तो देखिए मेंटेनेंस ऑफ ड्यू का दे रहा है, तो मेंटेनेंस ऑफ ड्यू का कोई इशू नहीं है। देखिए अंडर स्पीड का सिग्नल दिया और हमारी डीजी बंद हो गई। तो चलिए दिखाते हैं दोस्तों कि क्यों ये अंडर स्पीड का सिग्नल दे रहा है जिसके चलते हमारी डीजी बंद हो जा रही है। तो चलिए एक बार हम इंजन को फिर स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जो हमारा आरपीएम है वो कितना शो कर रहा है, क्या इश्यू है उससे पता चल जाएगा, और हमारा वोल्टेज कितना शो हो रहा है, हमारा आरपीएम पूरा बराबर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हमारा फ्यूल लाइन का इशू है या अदर कोई इशू है। तो देखिए मैंने फ़िलहाल स्टॉपर का वायर निकाल दिया है ताकि हमारी डीजी बंद ना हो, और फिर हम चेक करेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि अगर ये वायर लगा रहता तो 10 से 15 सेकंड के अंदर डीजी बंद हो जाती। तो चलिए एक बार हम इसका डिटेल चेक कर लेते हैं, आरपीएम कितना शो कर रहा है और एसी वोल्टेज कितना शो कर रहा है। तो देखिए 1325 शो कर रहा है आरपीएम, जो कि हमारा 1500 प्लस होना चाहिए, और बैटरी वोल्टेज ठीक है। एसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों एसी वोल्टेज हमारा सिंगल फेस में 203 दिखा रहा है और थ्री फेस में 351-352 ऐसे शो हो रहा है, यानी जो हमारा एसी वोल्टेज है वो कम शो हो रहा है, यानी कम से कम 415 वोल्ट हमारा थ्री फेस में शो करता है और सिंगल फेस में 240 शो करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा आरपीएम का इशू है। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है और क्या इशू है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आरपीएम रजिस्टर है, यहीं से हमारे आरपीएम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसी ने इसके साथ छेड़खानी किया है और इसको खोल के कम कर दिया आरपीएम, जिसके चलते अंडर स्पीड का सिग्नल दे रहा है और डीजी बंद हो जा रही है। तो एक बार हम इसे सेट करेंगे और सेट करने के बाद से फिर स्टार्ट करके देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं। तब तक आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए एक बार हम इसे टाइट कर लेते हैं ताकि ये फिर लूज ना हो या खुले ना। तो देखिए हमने इसको सेट कर दिया है, और चलिए एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि जो पहले हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने कंट्रोलर को ऑन कर दिया है और चलिए एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। देखिए हमारा इंजन स्टार्ट हो गया, यानी डीजे हमारी स्टार्ट हो गई, और देखते हैं कि हमारा जो अंडर स्पीड का सिग्नल दे रहा था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा दोबारा। तो देखिए अभी अंडर स्पीड का सिग्नल नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार आरपीएम चेक कर लेते हैं, क्योंकि पहले जो हमारा आरपीएम था वो 1325 शो हो रहा था, अभी देखिए 1541-40 ऐसे शो हो रहा है। और चलिए एसी वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा एसी वोल्टेज भी 415 और सिंगल फेस में हमारा 239-40 शो होने लगा। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है। थैंक यू।